हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ वेट लॉस थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस थाली को आप लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी। इस थाली में लगभग 350 कैलोरीज हैं और 20 ग्राम्स के करीब प्रोटीन, और ये थाली लो कार्बोहाइड्रेट रेसिपी से बनी हुई है, तो ये आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून मूंग दाल ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मूंग दाल से भी बना सकते हैं। और ये मैंने 2 स्पून मिक्स दाल ले ली है, इसमें अरहर, उड़द, मलका और चना है। तो अब इनको हम एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसको भिगोने के लिए रख देंगे, ताकि जब हम इसका पेस्ट बनाएं तो ये इजीली एक स्मूथ पेस्ट चीला बनाने के लिए रेडी हो जाए। तो ये हमने वॉश कर लिया है, तो इसे हम अब कम से कम आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में ये दाल सोख होती है, उतनी देर में हम अपनी बीन्स की वेजी बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम से करीब लौकी लिया है, जो हम चीला बनाने के लिए पेस्ट बनाएंगे दाल का, उसमें हम इस लौकी को ऐड करेंगे पानी की जगह। और यहाँ पे साथ ही में 200 ग्राम बीन्स लिया हुआ है और एक अनियन। इस बीन्स में कम से कम 50 जो है कैलोरीज हैं, लो कार्बोहाइड्रेट ये सब्ज़ी बनेगी बीन्स की, और हाई फाइबर्स जो वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। जैसे ऑयल गरम होगा उसी में ऐड कर लेंगे 1/4 स्पून जीरा, और जीरा को हम क्रैक होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने अनियन काट के रखा है। आप फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं इसको, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाइस किया हुआ है इसको। इसको हम एकदम ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको सॉटे करेंगे, और इसमें बीन्स को ऐड कर लेंगे और एक ग्रीन चिली। आप चाहें तो रेड चिली या चिली फ्लेक्स, कैसे भी इसमें आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं चिली, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो अब हम इसको कम से कम 4 to 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर जो है कुक होने के लिए रख देंगे कवर करके। तो यहाँ पे अब दाल अच्छे से सोख हो चुकी है, तो इसका हम उसको ड्रेन करके दाल का एक पेस्ट बना लेंगे चीला बनाने के लिए। तो मैंने इसमें मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसी के साथ हम इसमें लौकी भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, आप लौकी ही ऐड करें ताकि चीला और हेल्दी हो जाए। और इसमें एक ग्रीन चिली ऐड कर ली है, और इसका एक हम एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेना है। तो सब्ज़ी को भी कम से कम 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये देखिए अब ये कुक हो चुकी है एकदम। इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसकी क्रंचीनेस रहनी चाहिए इस सब्ज़ी में। तो ये अब रेडी हो चुकी है, इसको अब हटा देते हैं। तो और इसी में हम चीला बनाने के लिए पैन रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर ट्रांसफ़र करके चीला बनाएंगे। चीले में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लें, और आपको ज़्यादा अगर इसको स्पाइसी करना है तो ग्रीन चिली आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या फिर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है चीला रेडी करेंगे। तो ये वन साइड अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसे टर्न कर लिया है, और उस तरफ भी हम अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। आप जो है इसको 2 ही चीला लें, एक लंच थाली में आप इसको लंच में ले रहे हैं तो 2 ही लें, या फिर डिनर में ले रहे हैं तो 2 ही चीला आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें।
होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 चीला बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे 1 बाउल सब्जी है और मैंने खीरा काट के रखा हुआ है और 2 चीला। तो आप इस थाली को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और होप जो है आपको ये वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।